हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताएं ओप्पो का फ़ोन है। नहीं ठीक है, आपका उसको सारा कॉन्टैक्ट एक बार में दूसरे फ़ोन में शेयर करना है, तो आप वो कैसे करोगे? ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें टोटल 715 कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, और इसको मेरे को एक साथ शेयर करना है दूसरे फ़ोन में। ठीक है, सेम कॉन्टैक्ट हमको इसमें शेयर करना है। ठीक है, एक बार में पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप पूरा फॉलो करना गाइड में, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास वीवो का फ़ोन है, तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी वीवो से वीवो ही शेयर हो, आपके पास कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो रियलमी एनी बडी कोई भी फ़ोन हो। ठीक है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट में देखो पहले, इतना सारा फ़ोन है हमारा। ठीक है, तो ऐसे अगर एक एक करके शेयर करते तो बहुत हमें टाइम लगता है। ठीक है, तो हम आप देखो कि एक को आप दबाए रहोगे तो यहाँ से शेयर कॉन्टैक्ट आता है। ठीक है, तो आप सेव एस बी कार्ड करो या कुछ भी करो, तो यहाँ से आपको एक एक शेयर करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप ऊपर में एडिट करके यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हो तो एक बार में देखो कि ओनली डिलीट का ऑप्शन आता है, सारा शेयर भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे शेयर करोगे? ठीक है, तो वो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, और आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको इस पर जाना है सिंपली। ठीक है, अब आप नीचे में देखोगे यहाँ पे सेंड कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, सेंड कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये व्हाट्सएप पे एक बार में सारा आपको एक फाइल बन जाता है, वी कार्ड फाइल बनता है, वो सिंपली चला जाता है। ठीक है, तो हमें इसे शेयर करना है। अगर आप यहाँ पे मेल पे भी शेयर कर सकते हो या गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हो, लेकिन हम इसे ब्लूटूथ से करेंगे क्योंकि ना ही इसमें मेरे पास अभी इंटरनेट है और ना ही इसमें व्हाट्सएप बना हुआ है ना मेल है। ठीक है, तो सिंपली हम ब्लूटूथ के जरिए सारे कॉन्टैक्ट को शेयर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। इस फ़ोन में पहले आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है दूसरे वाले फ़ोन में। तो चलिए आपको पहले ब्लूटूथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ब्लूटूथ ओपन करेंगे, उसको दबाए रखेंगे तो हम डायरेक्ट सेटिंग में पहुँच जाते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेटिंग में हम डायरेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका मॉडल सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे इसका मॉडल बता रहा है वीवो V2029। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सबसे नीचे में आ गया ये वाला फ़ोन में, तो आप इस पर सिंपली टैप करेंगे तो ये सेंडिंग फाइल टू आ रहा है। शायद मेरा फ़ोन पेयर नहीं, फिर से पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले पेयर कर लेते हैं हम। आपको फ़ोन को पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा नहीं आया है, ये हमारा ब्राइटनेस स्क्रीन का नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे। तो सिंपली ओप्पो A5s हमारे बगल में एक फ़ोन है। ठीक है, जिससे हम कर रहा हूँ ओप्पो A5s, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, पेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से हमारा ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब सेंड करेंगे तो हमारे यहाँ से सेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेंड करेंगे सिंपली, ब्लूटूथ पे टैप करेंगे और वीवो का V2029 है, यहाँ पे मॉडल देख सकते हो। सिंपल आप ऊपर पे क्लिक करोगे, यहाँ से हमारे यहाँ पे सेंड हो गया। यहाँ पे हमारा देखिए एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो ये बहुत ही कम MB का रहता है, कॉन्टैक्ट आता है बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो आप ऊपर में देख लो कि ब्लूटूथ हमारा आ चुका है। सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि VCF फाइल बनता है कॉन्टैक्ट का। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट ओके करोगे तो सारा कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब चलिए आपको दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट्स में ले जाके इसके, कि सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, बैक जाऊँगा, फ़ोन को रीसेट क्या होता है, देखिए कॉन्टैक्ट में हमारा सारा कॉन्टैक्ट आ गया है। ठीक है, आपको ये वाला फ़ोन में भी दिखाता हूँ कि हमारा कौन कौन से कॉन्टैक्ट आया इसमें। ठीक है, तो 715 का 715 कॉन्टैक्ट पूरा हमारा इसमें आ चुका है। यहाँ से आपको फ़ोन अनलॉक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में AC Nitish है ऐसे करके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट में वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट में डॉक्टर AK कुड़वा, उसके बाद देखो कि AC Nitish, जैसा कि आप देख पा रहे आशा नद्रा ऐसे करके जो भी था, सारा हमारा कॉन्टैक्ट सीरियल नंबर वाइज आ चुका है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स ऊपर आ गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।